आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दौरान पाटिल ने जहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा की, वहीं प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री विद्या स्टोक के मान मनोबल के लिए उनके आवास में जाकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने के लिए दो दिन की माथापच्ची के बाद मंगलवार को जब पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने पत्रकार वार्ता की तो उनके बयानों में नेताओं के बीच की रार का दर्द साफ नजर आया। पाटिल ने उम्मीद जताई कि वे गुटबाजी को खत्म करने में कामयाब होंगी, लेकिन इसके लिए वे किस फार्मूले पर काम करेंगी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने माना कि 2019 का चुनाव पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और इसके लिए सभी पार्टी नेताओं को एकजुट होने की जरूरत का भी एहसास है। पाटिल ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और पार्टी नेताओं से भी अपनी ईगो छोड़ने का वे आग्रह कर रही हैं। बातों ही बातों में उन्होंने ये भी साफ किया कि आज जो भी दिग्गज नेता हैं वो केवल पार्टी की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में दो चरण में अपना अभियान चलाएंगी, जिसमें पहले चरण में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी, जिसकी शुरुआत 29 जून से चंबा जिला से की जाएगी और 2 से 2.5 महीने में पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में चारों लोकसभा क्षेत्रों में प्रदेश और देश के बड़े नेताओं की रैलियां आयोजित की जाएंगी। रजनी पाटिल ने कहा कि विधानसभा व नगर निगम चुनाव में पार्टी की खिलाफत करने पर बाहर किए गए नेताओं की घर वापसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर अंतिम फैसला लेगी। दो दिन से एक मैराथन मीटिंग्स हम कर रहे हैं जिसमें हमें हमारी वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसके लिए मैं सभी को मिल रही हूँ। जैसे ही स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होगी मुझे लगता है उसके अनुसार हम चारों की चारों सीट जीतेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। मैम आप ब्लॉक स्तर तक जाएंगी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? बूथ स्तर तक जाएंगी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? उसका कार्यक्रम हम अभी तैयार कर रहे हैं और जैसे ही मेरा कार्यक्रम फाइनल हो जाता है, क्योंकि उसमें सब हमारे जो पदाधिकारी है, जो भूतपूर्व विधायक है मिनिस्टर्स है, उनको सबको सम्मिलित करके हम वो प्रोग्राम बना रहे हैं। तो किस तरह से प्रोग्राम बनेगा ये सब हम प्रदेश अध्यक्ष CLP लीडर और उनकी सब टीम वो करेगी। जैसे ही हमारा प्रोग्राम फाइनल होता है हम आपके पास आ जाएंगे। पार्टी में गुटबाजी की बात की जा रही है, उस गुटबाजी पर आपका क्या कहना है? बड़े नेता से आपने मुलाकात की है, क्या चर्चा का विषय रहा? चर्चा का विषय यही रहा, उन्होंने यही बोला कि कांग्रेस पार्टी की बदौलत आज तक हम सत्ता में रहे हैं और हमें पूरा समर्थन देने का उन्होंने वायदा किया है। बोले बिल्कुल माय फुल ब्लेसिंग्स टू यू फॉर योर टेन्योर और हम बिल्कुल जिता के जाएंगे, राजा साहब हमारे साथ रहेंगे, विद्या जी हमारे साथ रहेंगी, आनंद शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे और सब मिलके चार लोग जब जीत के आएंगे तो यही पे उनका सत्कार कार्यक्रम करके आपके सामने से जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्रकारों के सवाल इस कदर चुभ गए कि सवाल का जवाब देने की बजाय वे उनके संस्थान की ही जांच करने जुट गए। देखिए डैमेज कंट्रोल बिल्कुल हो जाएगा। आप अपनी अखबार का नाम भी बताएंगे? डैमेज कंट्रोल IBN 7 सवाल पूछने पर पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये प्रतिक्रिया सभी को अचंभित करने वाली थी। सवाल पूछना पत्रकार का हक है और अगर नेता जवाब देने की हालत में ना हो तो बेहतर यही होगा कि पत्रकार वार्ता करने की बजाय वे प्रेस बयान जारी करें। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को कौन बताया कि उनकी पार्टी के भीतर चल रही ढींगा मस्ती के लिए पत्रकार नहीं बल्कि वे खुद जिम्मेवार हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने गिरेबा में झांककर देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।